हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट फेज टू रजिस्ट्रेशन के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स आप सभी स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होने वाले हैं और क्या प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना है। आज हम मेनली डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखेंगे और लिस्ट देखने के लिए यहाँ स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस किस कॉलम में कितने कितने इन्फॉर्मेशन आपको किस वे में कंप्लीट करने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि क्या आपका रिक्वायरमेंट होगा नीट फेज टू रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए और कितने डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है। फर्स्ट कॉलम आपका पर्सनल डिटेल का होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट आपका दिया है, इन केस ऑफ गर्ल कैंडिडेट आर यू द ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ पेरेंट, मीन्स ऐसे गर्ल्स या ऐसी बच्चियाँ जो अपने पेरेंट्स की सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनके लिए ये कॉलम होगा, जहाँ पे आपको ये फिल करना पड़ेगा कि आप क्या एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है या नहीं। जनरली ये कॉलम फिल करवाया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए आपका स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं, तो उन स्कॉलरशिप्स के लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अपने पेरेंट्स के सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं। फिर इसके बाद है आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंसी कि कहाँ से आपका रेसिडेंस आप बिलोंग कर रहे हैं, ये आपको फिल करना है। फिर थर्ड नंबर पे आपका दिया हुआ है बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप माइनॉरिटी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं तो नेक्स्ट आपका आएगा रिलीजियस माइनॉरिटी, और रिलीजियस माइनॉरिटी में वहाँ पे फॉर्म में आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, वो आपको अपने माइनॉरिटी रिलीजन के अकॉर्डिंग टिक करने होंगे। एंड देन मोड ऑफ प्रिपरेशन कि आपने किस मोड में एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया है वो आपको बताना है कि ऑनलाइन है ऑफलाइन, जो भी ऑप्शंस वहाँ पे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देना है अपना पर्सनल डिटेल्स। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम होगा फॉर्म के लिए। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर पे अब हम आते हैं, तो सेकेंड नंबर पे आपको अपने एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने हैं। कल भी मैंने कहा था कि इस बार इस सेकेंड फेज के रजिस्ट्रेशन में क्लास 10th और क्लास 11th के आपको एजुकेशन डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं। तो फर्स्ट आप पहले आप क्लास 10th का प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद आप क्लास 11th का प्रोवाइड करेंगे। ये कॉमन सेक्शन बना दिया गया है जिसमें दोनों के लिए आपको 10th एंड 11th के लिए ये पूरे इन्फॉर्मेशंस वन बाय वन प्रोवाइड करने हैं। पहले सेम इन्फॉर्मेशन आप 10th के लिए प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे कॉलम में प्लेस किए गए। देखिए पास का स्टेटस है कि वेदर यू पास और फेल, तो ऑब्वियसली आपका पास ही होगा यहाँ पे क्योंकि आप नीट का एग्जाम दे चुके हैं, 12th के बेसिस पे होता है। ईयर ऑफ पासिंग और अपियरिंग कि 10th में किस साल अपियर हुए हैं, 11th में किस साल अपियर हुए हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम का नाम आपको देना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग कि क्या आपका प्लेस था स्कूलिंग का, आपका शहर का टाउन का जो भी नेम होगा आपका वो आएगा यहाँ पे। टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, ग्रांटेड गवर्नमेंट है सेमी गवर्नमेंट है प्राइवेट है, जो भी वहाँ पे ऑप्शन होंगे वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कि आपने किस स्टेट से, मान लीजिए आपने आपका जो स्कूलिंग का प्लेस था वो नागपुर था, तो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपका आ जाएगा महाराष्ट्र। अगर आप प्रयागराज लिख रहे हैं तो आपका जो स्टेट होगा वो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेट फिल करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करना है इस कॉलम में। स्कूल बोर्ड आपको फिल करना है, उसके बाद स्कूल बोर्ड में आपका स्टेट बोर्ड हो सकता है तो वो स्टेट बोर्ड वाइज अलग अलग होंगे, या फिर आप स्टेट बोर्ड के साथ हो सकता है कि आपका CBSE बोर्ड हो ICSE बोर्ड हो, व्हाटएवर बोर्ड होगा वो बोर्ड आप यहाँ पे फिल करेंगे। रिजल्ट का मोड आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितने थे आपके, तो वो आपको मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट क्या है वो आपको फिल करना है। एवरीथिंग एवरी इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल होगी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर। CGPA ऑप्टेन, कितना CGPA आपने ऑप्टेन किया है, ठीक है, टोटल मार्क्स CGPA आपने ऑप्टेन किया है, उसके बाद आपका टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं। दैट मीन्स हो सकता है कि आपका क्लास 10th का पेपर अगर टोटल 600 मार्क्स का था तो आप यहाँ पे 600 मार्क्स लिखेंगे और नेक्स्ट कॉलम में फिर आप फिल करेंगे कि आउट ऑफ 600 आपने कितने मार्क्स ऑप्टेन किए थे।
एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते समय बहुत ध्यान से करेंगे, जो सर्टिफिकेट में लिखा है वही आप एनरोल करेंगे अपने मन से, यहाँ पे कुछ भी किसी बच्चे को फिल नहीं करना है। सो ऑप्टेन मार्क में आपका आएगा कि आपने आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने मार्क्स ऑप्टेन किए, फिर मार्क्स इन परसेंटेज, तो परसेंटेज आप फाइंड आउट करिए। जिन बच्चों को CGPA मिला है वो CGPA का कॉलम में फिल करेंगे, जिनको परसेंटेज वाइज मार्क्स फिल मिले हुए हैं 10th and 11th में वो यहाँ परसेंटेज के कॉलम में भरेंगे। रोल नंबर सभी का आपका अपने सर्टिफिकेट पे होगा, वो आप फिल करेंगे। स्कूल या कॉलेज का नेम और एड्रेस, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि कॉलेज क्यों लिखा है, तो देखिए कुछ स्टेट में इंटर कॉलेज कहते हैं हम 11th and 12th के एग्जाम को, दैट्स वाई वहाँ पे कॉलेज नेम है। जहाँ पे जिन स्टेट में स्कूल है वो बच्चे स्कूल का नाम ही लिखेंगे, जहाँ पे इंटर कॉलेज चलता है महाराष्ट्र में, जैसे इंटर कॉलेज हम कह रहे हैं 11th 12th को, तो आप अपने इंडिविजुअल कॉलेज का नेम प्रोवाइड करेंगे। पिन कोड होगा वहाँ पे स्कूल एंड कॉलेज का, पिन कोड आपके सर्टिफिकेट पे होगा, वो पिन कोड आप जनरेट कर देंगे और तुरंत आप ये चेक भी करेंगे कि क्या पिन कोड अवेलेबल है या नहीं है। अभी अगर आप तुरंत देखेंगे इस वीडियो के बाद कि आपका अपने 10th and 11th के सर्टिफिकेट पे पिन कोड अवेलेबल है या नहीं है, इन केस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इमीडिएट आप अपने स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके कॉन्टैक्ट करके फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। आफ्टर दैट तो ये 2 कॉलम होंगे, इतने इन्फॉर्मेशन आपको क्लास 10th के लिए फिल करने हैं, फिर इतने ही इन्फॉर्मेशन सेपरेटली क्लास 11th के लिए फिल करने हैं। आफ्टर दैट आपके हैं एडिशनल डिटेल्स या पर्सनल डिटेल करके ये होगा। एडिशनल डिटेल में होगा प्लेस ऑफ बर्थ, कि आपका बर्थ किस प्लेस पे हुआ है, स्टेट क्या है और डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये 3 इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करने हैं। ये भी आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट में जो भी इन्फॉर्मेशंस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन फिल करना है आपको। आफ्टर दैट पेरेंट्स का इन्फॉर्मेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलम, द पेरेंट इनकम डिटेल, एंड बेसिकली उन बच्चों के लिए जो EWS सर्टिफिकेट का यूज़ करेंगे अपने एडमिशन के लिए, तो उस सर्टिफिकेट के थ्रू अगर आप उस कैटेगरी के अंतर्गत आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को फिल करते समय बहुत सावधानी रखेंगे। बेटर है कि आप EWS सर्टिफिकेट अपना देखिए, उसमें कितना इनकम शो कर रहा है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने इन्फॉर्मेशन पूरे फिल करेंगे। फादर का क्वालिफिकेशन, फादर का अपने पिताजी का आपको ऑक्यूपेशन देना है, एनुअल इनकम उनकी देनी है, मदर का क्वालिफिकेशन, मदर के ऑक्यूपेशन एंड मदर के एनुअल इनकम। हो सकता है कि कुछ बच्चों के जो मदर है वो आपकी हाउसवाइफ हो या घर में ही हो, तो वहाँ पर आप नील करेंगे, एवरी ऑप्शंस वहाँ पे प्रोवाइड होंगे। ये मैंने एक जस्ट आपको शो करने के लिए बताया है, इंस्टेड ऑफ कॉलम की सिंपल टर्म्स में आप किस तरह से इसको समझ सकते हैं। फिर मदर की एनुअल इनकम है, गार्जियन का क्वालिफिकेशन है, ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स, हम अभी जैसे कोरोना के कंडीशंस में से भी निकले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ बहुत बुरे हाथ से उन्होंने फेस किए, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे गार्जियंस के ऊपर डिपेंड हो, उस कंडीशन में वो बच्चे अपने मदर एंड फादर के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करके गार्जियन का वो अपने क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, गार्जियन का ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करेंगे और गार्जियन का एनुअल इनकम उनको प्रोवाइड करना है। तो ये पेरेंट्स का इनकम का डिटेल है, ध्यान से फिल करेंगे ये सभी इन्फॉर्मेशन। एंड 5th नंबर पे आप देख रहे हैं अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ध्यान रखेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे कहा गया है उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, क्योंकि फर्स्ट फेज में भी आप कुछ डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट स्कैन कर चुके हैं, तो अब आइडिया है, तो डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करके उन कॉपीज को आपको इसके साथ अटैच करना है। अपलोडिंग के सर्टिफिकेट्स में आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, OBC कैटेगरी हो सकती है आपकी, SC ST व्हाटएवर जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर इसके बाद आपको पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी या PWD सर्टिफिकेट, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो कि डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो बच्चे अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। क्लास 10th का सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, मार्कशीट, अब कुछ बोर्ड्स हैं जो 10th मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी अलाउ प्रोवाइड करते हैं, तो जिन बच्चों को सर्टिफिकेट मिला है क्लास 10th का, पास आउट पासिंग सर्टिफिकेट हम कह रहे हैं,
तो वो स्टूडेंट वो सर्टिफिकेट यहाँ पे यूज करेंगे। एंड इन केस अगर कुछ बोर्ड्स सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, ओनली मार्कशीट देते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपनी क्लास टेंथ की मार्कशीट ही यहाँ पे यूज करेंगे। एंड देन आफ्टर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग डॉक्यूमेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा है कि मैडम सिटीजनशिप सर्टिफिकेट क्या है, ये थोड़ा सेपरेटली समझाइए। इसका मैं सेपरेट एक 2 मिनट्स का वीडियो आपको बता दूंगी कि सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होते क्या है और उसमें आपको क्या लगाना है। जनरली इसमें आप अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट में आधार कार्ड आपके पास होगा, आपका पासपोर्ट है, नंबर ऑफ अपने आईडी प्रूफ्स होते हैं, एनी ऑफ द आईडी प्रूफ आप यहाँ पे सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के अंतर्गत यूज कर सकते हैं। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीट फेस 2 में आपको रिक्वायर्ड होने हैं। तो एनी स्टूडेंट जिनके पास अभी EWS सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है और वो कैटेगरी में आ रहे हैं, वो बच्चे ध्यान से सर्टिफिकेट बना लेंगे, अपने सर्टिफिकेट OBC SC ST कैटेगरी का चेक कर लीजिए और उनको आप प्रॉपर जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उन डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में अरेंज करके रख लीजिए ताकि जिस दिन आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो आप इमीडिएटली इस प्रोसीजर को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कितने डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ प्रिपेयर करके रखने हैं और किस मोड में आपको नीट फेस 2 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब स्टार्ट होंगे वो फिल करने हैं। किसी भी तरह की अगर आपको कोई डिफिकल्टीज बीच में आपको फील हो रहा है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अप टू नेक्स्ट सेशन ऑल ऑफ यू स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेट एंड स्टे कनेक्ट विद बायोजोन क्लासेस।